दोस्तों, स्वागत है मेरा YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक रिज्यूमे कैसे बनाते हैं किसी भी जॉब के लिए, या आप चाहे फ्रेशर हो चाहे आप एक्सपीरियंस हो किसी के लिए भी। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐप से कैसे बनाते हैं। सबसे पहले अपने जाइए प्ले स्टोर पे, आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप सर्च कीजिए इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट सीवी। ये देखें, यहाँ से आप, मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो आप इंस्टॉल कर लें। उसके बाद आप ओपन करें, ये देखें ये आएगा। उसके बाद आप क्रिएट पे जाइए। एड आएगा, 5 सेकंड का एड आएगा। ये देखिए प्रोफाइल सेशन में बटा हुआ, देखिए पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन एक्सपीरियंस, स्किल्स, ऑब्जेक्टिव रेफरेंस, ये देखिए मोर सेक्शन, प्रोजेक्ट है, ऐड मोर सेक्शन। आप सेशन भी जोड़ सकते हैं और भी ऐड कर सकते हैं आप। ये रीअरेंज कर सकते हैं आप, ऊपर नीचे कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए सेशन है, पर्सनल डिटेल्स पूछ रहा है आपका। अपना पर्सनल डिटेल्स डाल दें यहाँ पे, अनुज कुमार आपका जो भी डाल दें। ठीक है, जो भी आपका पूरा डाल दें, पूरा एड्रेस डाल दें, अपना अपना ईमेल डाल दें। इसमें डाल देता हूँ ईमेल कुमार अनुज @gmail.com का जो भी जीमेल है वो डाल दें। फ़ोन नंबर डाल दें अपना। ठीक है, अपना अपना फ़ोटो डाल लें। फ़ोटो बहुत ज़रूरी हो जाता है, उससे आपको रिज्यूमे अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, फ़ोटो ज़रूर डाल लें। यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे फोटो हो गया, यहाँ पे आप सेव कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला सेशन है एजुकेशन, एजुकेशन पे क्लिक कीजिए। ये देखिए ऐड, ऐड पे क्लिक कीजिए। यहाँ से आप एग्जांपल भी ले सकते हैं कि कैसे बनना है। देखिए ये देखिए है ना, ये देखिए एग्जांपल्स दो। एम एन इंग्लिश लिटरेचर, कंप्यूटर साइंस, बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी। ये देखिए आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले आप डाल लीजिए, अगर 10th 12th कुछ भी डाल लें, जैसे ये देखिए कोर्स कौन सा, मैट्रिक डालना है अगर मैट्रिक का डालना है तो मैट्रिकुलेशन डाल लें। मैट्रिकुलेशन कौन से स्कूल से किए हैं वो डाल लें आप, वो डाल लें आपकी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अपना ग्रेड डाल लें, कितना नंबर आया आपको 10th में, तो मैं डाल देता हूँ। ठीक है, ऑटो 10 कब पास किए आप 10th क्लास वो डाल दें आप, अपना ईयर डाल दें जब पास किए थे। यहाँ ऐड कर लें, ऐड करें आप 12th डाल दें, अगर 12th किया है तो 12th डाल दें। इंटर 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 चाहे आप 10 प्लस 2 भी डाल सकते हैं। ये देखिए 10 प्लस 2, तो मैं इंटर डाल देता हूँ। आप जो भी डाल लें आपको अपनी मर्जी से। यहाँ पे अपना स्कूल डाल दीजिए, जो वहाँ से स्कूल से आपने 12th किया रखा है। मैंने तो सेम स्कूल से कर रखा है तो मैं वही सेम डाल देता हूँ। ठीक है, अपना 12th का नंबर डाल दें, कितना ग्रेड ना है आपका। परसेंटेज भी डाल सकते हैं, जैसे मैं अभी इसमें परसेंटेज डालता हूँ, जैसे 76% ग्रेड पूछ रहा है, डाल सकते हैं अपना इसमें 76/100। ठीक है, यहाँ से ग्रेड स्कोर पूछ रहा है, नहीं ग्रेड डाल दीजिए आप। ग्रेड पे आप क्लिक बना लीजिए, परसेंटेज को ग्रेड में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद डाल दीजिए स्कोर 10, कौन से ईयर में पास किए थे आप वो डाल दें। जैसे मैं 2016 में पास किया था, डाल देता हूँ। यहाँ से आप
अगर आगे फर्दर अगर 12th के बाद भी अगर जैसे ग्रेजुएशन किया है तो वो भी डाल दें, तो ऐड करने के ऐड कर ले। जैसे मैंने बीटेक कर रखा है तो बीटेक कर रखा है, कौन से यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से किए हुए हैं वो अपना कॉलेज का नाम डाल दें, ठीक है। उसमें कितना नंबर आया आपका वो डाल लें, कौन से ईयर में आपने पास किया, ठीक है, वो डाल दें। अगर आपके फर्दर अगर आगे भी पढ़ाई किए हैं, एमटेक किए हैं, कुछ भी किए हैं, एमएससी बीएससी कुछ भी और अगर डालना है तो ऐड कर क्लिक कीजिए जैसे ऐड पे। अगर आपने नहीं किया तो यहाँ से डिलीट कर दें, उसके बाद यहाँ पर सेव कर लें। सेव करने के बाद अगला जाइए, देखिए सेक्शन में एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आप देखिए एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैंने आपको जैसे बताया था एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, एक्सपीरियंस कैसे कैसे डालना है आपको। अगर आपने कहीं जॉब कर रखा है पहले से, कोई भी जॉब छोटा मोटा भी कर रखा है तो वो एक्सपीरियंस डाल दें। कहीं जॉब किए हैं आप, जैसे कोई भी सेल्स का जॉब किया है, कंपनी का नेम डाल दें, उसमें जॉब डाटा डाल दें, स्टार्टिंग कब से स्टार्ट किया था, कब ख़त्म किया, डिटेल्स डाल दें उसका, जॉब का कंपनी का वो डाल दें, और एक्सपीरियंस और ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो ऐड करें, मेरे पास तो है नहीं तो बताता हूँ मैं आपको, वो डाल दें अपना हिसाब से। उसके बाद स्किल्स, स्किल्स में आप ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको देखिए जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, स्किल्स में आप डाल सकते हैं आपका जो भी स्किल है वो डाल दें, जो अपने अपने सीखा है कॉलेज में, कहीं भी सीखा है, यूट्यूब पे सीखा है, कहीं भी सीखा है, आजकल तो सब कुछ फ्री हो गया है, कहीं भी सीख सकते हैं। ये देखिए लेवल, कौन से लेवल में आप, अगर 1-2 है, ये मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे लेवल 1-2 है तो बिगिनर अभी सीख ही रहे हैं तो लेवल 1-2 डाल सकते हैं। अगर लेवल 3 तो इंटरमीडिएट, लेवल 4 एडवांस, लेवल 5 एक्सपर्ट, तो आप अपने हिसाब से डाल लें, ठीक है। ये देखिए लेवल डेवलपमेंट में 4 डाल देता हूँ यहाँ, और अगर और स्किल्स है तो आप वो भी डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल देता हूँ एंड्रॉयड डेवलपमेंट डाल सकते हैं आप। एंड्रॉयड डेवलपमेंट में अगर जो अपने लेवल डाल सकते हैं आप कोई भी, जैसे अब 3 डाल देता हूँ मैं यहाँ पे ऐड, अगर और आपके पास स्किल्स है तो वो भी डाल दें, जैसे मैं जल्द डाल देता हूँ C++, ठीक है। उसका अगर लेवल देखना है तो वो मैं 3 डाल देता हूँ। उसके बाद आप अगर आपके और ज़्यादा स्किल है तो ऐड करते जाइए, जितना भी स्किल है आप सब ऐड कर दीजिए, एक भी नहीं छोड़िएगा, जितना भी स्किल है सब डाल दीजिए इसमें। उसके बाद आप सेव कर दीजिए। उसके बाद आप देखिए ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में डाल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आप डाल सकते हैं कि आपका एम क्या है, क्या आप जॉब में क्या सीखना चाहते हैं, क्या आप क्या रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, रिप्रेजेंटेटिव रहेगा आपका जॉब में। इसे मैं डाल देता हूँ टू सिक्योर चैलेंजिंग पोजिशन इन रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सपेंड माई लर्निंग नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है। आप अपने अनुसार कहीं जैसे अपने अलग अलग डाल रहे हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री में अगर अलग अलग जा रहे हैं, जैसे मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं तो वो अलग आप अपना करियर ऑब्जेक्टिव डाल दीजिए उसमें कि हमको ये करना है वो करना है मार्केटिंग में। अलग अलग इंडस्ट्री जैसे फाइनेंस हो गया, अकाउंटिंग हो गया, सेल्स हो गया, आईटी करियर हो गया, एजुकेशन और टीचर, बहुत सारे अपने हिसाब से डाल दें, मैं बस आपको दिखाने के लिए वो डाल दिया हूँ मैं। उसके बाद आप सेव कर दीजिए। आप देखिए उसके बाद आप रेफरेंस डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं रेफरेंस में, देखिए यहाँ पर ऐड देखिए रेफरेंस, ये देखिए आप एग्जांपल बताता हूँ, डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं, अगर आपको डालने का मन है तो डाल दीजिए यहाँ एग्जांपल देखिए, देखिए XYZ कंपनी, जॉब टाइटल अभी कहीं भी काम किया है तो वो जॉब टाइटल डाल दें, कंपनी का नेम डाल दें, उसका ईमेल डाल दें, फ़ोन डाल दें, ठीक है। देखिए अब उसके बाद मोर सेक्शन में आ जाता है एक प्रोजेक्ट, अगर ऐड करना है आपको सेशन, जैसे आपको प्रोजेक्ट कोई बनाया तो प्रोजेक्ट पे यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, नहीं तो आपको इसमें नहीं मिल रहा तो हम जैसे इंटरेस्ट है आपको कोई भी चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कीजिए,
या ऐड कर दीजिए इंटरेस्ट। चलिए मैं आपको दी, अगर अगर आपको नहीं मिल रहा है इसमें से तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। जैसे मैं आपको क्रिएट कर लेता हूँ एक, जैसे मैं कर लेता हूँ हॉबीज़, ये ठीक है, यहाँ पे क्रिएट। ये देखिए आपके हॉबीज़ क्या है, जैसे वो ऐड कर सकते हैं आप कुछ भी जो आपका खाली टाइम में आप करते हैं वो डाल सकते हैं, आपको जो पसंद है करना फ्री टाइम में। जैसे मैं डाल देता हूँ रीडिंग डाल सकते हैं, कुछ भी आपको जो हॉबीज है वो डाल सकते हैं। रीडिंग डाल दीजिए मैं, और वाचिंग मूवीज में डाल देता हूँ अपने पसंद से जो डाल दें। उसके बाद आप सेव कर दीजिए, ठीक है। अगर आप प्रोजेक्ट डालना है तो प्रोजेक्ट बढ़ा दीजिए यहाँ से। देखिए प्रोजेक्ट एग्जांपल देख के देखिए क्या क्या प्रोजेक्ट किए हुए हैं कॉलेज में, वो डाल दें अपना, ठीक है। उसके बाद ये रीअरेंज आ रहा है, रीअरेंज यहाँ पे देखिए रीअरेंज क्लिक कीजिए। रीअरेंज देखिए ऑब्जेक्टिव है, एक्सपीरियंस है, एजुकेशन स्किल्स, मतलब ऊपर से जो आ रहा है वैसे ही आएगा। आपका टेम्पलेट में आता है ना रिज्यूमे, वैसे ही बनेगा। चाहे आप ऑब्जेक्टिव को नीचे ला सकते हैं, एक्सपीरियंस को नीचे ला सकते हैं, अपने हिसाब से जो रखना है। जैसे ऑब्जेक्टिव ऊपर ठीक है, एक्सपीरियंस आप नीचे, एजुकेशन आप ऊपर कर लें। यहाँ पर अपने क्लिक कीजिए जो पे करना है वहाँ पे क्लिक कीजिए, उसके बस हल्का सा ऊपर कर दीजिए जो ऊपर करना है। जैसे एक्सपीरियंस स्किल्स प्रोजेक्ट इंटरेस्ट उस हॉबीज सबसे नीचे है, तो मैं आपको हॉबीज यहाँ ऊपर कर देता हूँ, यहाँ स्किल्स के नीचे कर देता हूँ, ठीक है। हो गया रिसेट, यहाँ पे आप रिसेट का क्लिक कर दीजिए, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी, रिसेट किया तो फिर वैसा ही हो गया। आप जाइए यहाँ पे एजुकेशन ऊपर कर दीजिए, ये देखिए सेव्ड हो गया, अपने आप खुद सेव्ड हो जाता है। अगर आपको वैसा ही ठीक लगे तो वहाँ पे रिसेट कर दीजिए जो पहले था, ठीक है। अपने हिसाब से डाल दीजिए, जैसे ये हॉबीज़ को ऊपर कर देता हूँ मैं, स्किल्स के नीचे डाल देता हूँ। प्रोजेक्ट ऊपर करना है तो ऊपर कर दीजिए आप, एक्सपीरियंस के बाद रख लीजिए, इंटरेस्ट भी ऊपर बाद रख लीजिए, इंटरेस्ट हॉबीज एक ही है, ठीक है। उसके बाद अपने आप खुद से हो जाता है रिसेट करने पे। यहाँ बैक चले जाएँ, बैक पे देखिए यहाँ पे आपको आएगा व्यू सीवी, व्यू सीवी पे क्लिक करें। देखिए क्या ऐड आ रहा है, ये देखिए चूज टेम्पलेट्स, आप कोई भी चूज टेम्पलेट कर सकते हैं, जैसे आपको जो पसंद है अपने हिसाब से। प्रोफेशनल टेम्पलेट देख लीजिए, प्रोफेशनल टेम्पलेट का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ये देखिए आपको जो पसंद है उस पर क्लिक कीजिए। यह मॉडर्न भी दिया हुआ, आज के समय में जो भी यूज हो रहा है ज़्यादातर ये सब चल रहा है आजकल। आप ये भी ये सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मुझे ये पसंद आ रहा, तो ये इस पर आप बस क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपका बन गया, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ऑप्शन आया टेबल का, यहाँ सेव कर लीजिए। ये देखिए हो गया व्यू डाउनलोड। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। हेलो, आमी नीलाय पाल टॉप एडु। ये देखिए सीवी बन गया। अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं इसी तरह से वीडियो लाते रहता हूँ। अगर आपका टेक से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम ले आता हूँ मैं, अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।